मंजुबे आसिम लगदर जी श्यामलाल जी एकांगे प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी जी प्रशिक्षक जी उपस्थित संपूर्ण मानव वास्तव में रिद्धिमानगंज गांव पालिका के शुरू से जब इस निर्वाचित भेले 2080 बैसाख महीना में उन्नासी तब से एक गावी के किसान प्रति रुचि देखलिए और किसान के आवश्यकता और किसान के समस्या प्रति जही ठाकुर जनप्रतिनिधि सबके सरकार से जो चाहिए अपना तरफ से एठा के जनप्रति सबके धन्यवाद दे चाहे खास करके अध्यक्ष जी के उपाध्यक्ष जी के और एठा के प्रतिनिधि सबके जे वास्तव में देश के पूरे ही देश कृषि प्रधान देश है और देश के जते भी उत्पादन है यहाँ के किसान सब करे और कोई भी किसी से मुल्क में देश में किसान सब के सम्मान नहीं है। किसान सब बहुत समस्या में है। हमरा जब छोटे छोटे रहिए तो ऐसे करीब 40 वर्ष पहले दादा कहते रहे खाद नहीं मिले अखनी तक वह खादे के समस्या में थे। किसान खेती के वक्त में खाद न मिलत जब पानी चाहिए पानी नहीं मिले रहे दू तीन दिन पहले हमारा इधर बार में पूरा पंप सेट लगा के खेत में पानी पटवे रहे तीन दिन से पानी बेसी भाग गया। कई किस्म के समस्या सब से किसान सब जुटे और यहाँ के प्रतिनिधि सब किसान के सक्षम बनवे ला किसान के उत्पादन के व्यवस्थित बनवे ला और खास करके जो किसान सब विषालु मल रासायनिक मल प्रयोग क्या के जो तरकारी धान चावल गेहूँ उपजावे ऐसे अपना के शरीर पर एक आजकल के युग में कते असर पड़े ओकर खाती तालीम जानते थे। पहले लोग 80 बरस 90 बरस 60 बरस जीत रहे अपनी 60 साल में एक से डर रोग लग 40 बरस में शुगर लग जाए प्रेशर लग जाए और रोग लग जाए ये सब अपन खान पीन के कारण छे। देखे ले एकदम छोटका गप से ऑर्गेनिक मल बनवे के कार्यक्रम थी लेकिन एकर असर पुस्तू पुस्ता तक है तो अपना के शरीर पर ये रासायनिक मल खाद खा के मल लगा रासायनिक मल से उत्पादन भेल धान गहूँ मकई चावल तरकारी खा के जो असर भै गए लेकिन आबे वाला पीढ़ी जो बच्चा आप जन्मते जो बच्चा छोट छोट से वही सब के शरीर वही असर नहीं हो आगे वाला पीढ़ी फिर 100 साल जियो वही खातिर ये कार्यक्रम दाखिल उद्देश्य बढ़िया से गावी सबके सपोर्ट छे एकर लागी गावी सबके फिर धन्यवाद दे आ किसान सबके धन्यवाद दे छी अपना सब गोरे किसाने छी लेकिन छोटका छोटका गप पर अपना ध्यान दे दे छी बहुत बढ़िया से मैं ध्यान दे और जवानगंज गावी सबके विशेष धन्यवाद कि हम जिला समन्वय में छी हम बैठा से अपना हिसाब से देख रहा हूँ कि किसान प्रति बैठा के जन प्रति के बहुत तलाश है अध्यक्ष जी कौन छे एक हरियाणा बने भाई पंजाब बने बहुत से बढ़िया बनबू हमारे शुभकामना से और सबके आयोजक को शुभकामना धन्यवाद धन्यवाद। श्री सूर्य नारायण पालिया जी प्रमुख अतिथि जिला समन्वय समिति के महासंघ केंद्रीय महासंघ सभापति श्री राजन मेहता जी विशिष्ट अतिथि देवानगंज गांव पालिका के अध्यक्ष श्री बेचन प्रसाद मेहता जी देवानगंज गांव पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामराज मॉडल जी हमर ए तालीम के प्रशिक्षक केदार पोखरेल सर भवर सर देवानगंज गांव पालिका 3 नंबर वार्ड के आयुर्वेदिक के डॉक्टर जीवज परियार सर देवानगंज गांव पालिका अध्यक्ष स्वकीय सचिव ओम प्रकाश मेहता जी क्षेत्र नंबर 2 के कांग्रेस के पार्टी सभापति श्यामलाल मेहता जी देवानगंज गांव पालिका पार्टी सभापति जगधर यादव जी 1 नंबर वार्ड के सदस्य जी सब तथा एठम उपस्थित ए कार्यक्रम में तालीम ले ले संपूर्ण दादू भाई दीदी बहन के हमर आय अपनो सब कृषि के तालीम ऑर्गेनिक मल
बनौने तालीम में 4 दिन जे तालीम लेबे आए तालीम के उद्घाटन के शुरू के दिन छे आए बहुत नीक से सब करे ए तालीम में एलिए या तालीम में सहभागी भेलिए या महिला दीदी बनी छे बेसी एते उपस्थिति देखे छे एकटा बढ़िया पक्ष छे ते खातिर दीदी बहन सब के धन्यवाद दे छी और अपना सब एकटा किसान छे किसान के बाल बच्चा छे जवानगंज गांव पालिका एकटा कृषक क्षेत्र छे कृषि के पॉकेट एरिया क्षेत्र छे देवानगंज गांव पालिका के अध्यक्ष जी गांव पालिका के पूरा ध्यान गांव पालिका में कृषि तरफ गेल छे ए संबंधी कृषि संबंधी विभिन्न किस्म के तालीम भेले है कृषि केंद्र जे ओठम छे देवानगंज गापा के ओय बगल ओठम विभिन्न किस्म के तालीम मॉल बनावे के बीऊ मारे के केना के उमड़े छे बी ओय सब संबंधी विभिन्न किस्म के या केदार सर धवर सर ग्रुप ग्रुप कर के तालीम देने छे आय एक नंबर के 4 दिन के तालीम छे अहां सब सहभागी भेलिए या ई ऑर्गेनिक मॉल कथी ले बनावे छे अपना के त मॉल दा के खेती उपजावे छे 10 मन 12 मन के कट्ठा मकई उपजावे छे लेकिन रासायनिक मॉल दे छे गेहूं उपजावे छे धान उपजावे छे विभिन्न किस्म के तरकारी फल फूल उपजावे छे ओय में की दे छे रासायनिक मॉल दे छे रासायनिक मॉल से की है छे डायरेक्ट नै त अप्रत्यक्ष में विस्तारे जकरा स्लो पोजन कहे छे ओय रूप से अपना के शरीर में की करे छे वो विषालु मॉल के जे विषालु पदार्थ है छे अपना के शरीर में जाए छे निश्चित रूप से अपना सब जाने छी नेपाल में अखनी 3 सरकार कार्यरत छे जनता के काम कह रहा छे केंद्र सरकार प्रदेश सरकार और स्थानीय सरकार अब हमरा लगे है जे ई 3 सरकार के बनावे के बड़का महत्व रहे ते दुबारे हमरे यहाँ सबके मांग अनुसार नेपाल के जनता के मांग अनुसार ये 3 सरकार बन गई तो सरकार जब भले तो सरकार के कर्तव्य है संतुलित विकास निर्माण के काम कर रहे तो वही संतुलित विकास के क्रम में हमरा सबके बाटो घाटो मात्रे बना के बिजली के व्यवस्था कह के मात्रे नहीं संतुलित विकास के क्रम में देवानगंज गांव पालिका में 90% से ज्यादा 90% से ज्यादा किसान सब रहे थे खेती किसानी करे वाले खेती किसानी अपना सब के जे करे छी त खास कर के परंपरागत ढंग से खेती करे छी पहिने लोग गुजर करे ले खेती करे रहे कोई जमाना लेकिन अखनी व्यवसायिक रूप में खेती करे छी त व्यवसायिक रूप में खेती करे के लेल अपना सब के और दोसर दिस ध्यान नहीं दे छी बेसी से बेसी उपजनी केना हेतै ओहि तरफ मात्र ध्यान दे छी और कुछ बितले उपाध्यक्ष जी कहल आदरणीय अध्यक्ष जी कहल जिला समन्वय समिति के प्रमुख जी सब आदरणीय व्यक्तित्व सब स्वास्थ्य पर फोकस कह के बात कर लो बहुत बढ़िया बात कर लो उनका सबके हम धन्यवाद दे जे अपना सबके खेती करे छे व्यवसायिक रूप में कुछ दया भया ध्यान नहीं दे छे बेसी से बेसी उपजनी के ना हेतै ते तरफ ध्यान दे छे अध्यक्ष जी कहबे करला जे भिंडी मैं आए दवाई छिटे छे बिहान भए गए तो ले छे वो में एकदम कड़ा रासायनिक पिसा दी साइपर मैथरीन क्लोरीपाइरीथस
ये सब यही टाइप के दवाई सब रासायनिक विषादी प्रयोग करे जे कि मानव शरीर में बहुत घातक चीज है। हमें यहाँ रासायनिक विषादी मात्र नहीं, हम एक बात और कहना चाह जे आए लगभग एक वर्ष से रासायनिक मॉल के अभाव देखल जाए। अब सब गोटे रासायनिक मॉल के पछाड़ी लागल छे हमरा नहीं मिले। अब यो बात के हम कनी यहाँ सबके जानकारी दी रासायनिक मॉल के विस्थापित करे ले लागल छे, विस्थापन होना चाहिए। यदि प्रयोग करबे तो बहुत कम मात्रा में प्रयोग कर, कोनो कमी छे से बात नहीं छे, रासायनिक मॉल छे लेकिन ओकरा कम कह रहा छे। तो ते द्वारा कथी ले कम कह रहा छे, यहाँ द्वारा जे ज्यादा से दुईटा बात रासायनिक मॉल में दुईटा बात, एक तो मानव शरीर रासायनिक मॉल दै छे तरकारी खेती खाद्यान्न खेती आ ओहिमे से जे उपजनी करे छे अप्रत्यक्ष रूप में मानव शरीर के बहुत हानि करे छे, एक बात तो ओ भेल। आ दोसर बात रासायनिक मॉल अनाप शनाप जे खेत में डाली छे तो वही से की है छे तो उर्वरा शक्ति माटी के उर्वरा शक्ति जे छे छीन भए रहल छे। तो ई दुईटा कारण से जो रासायनिक मॉल के विस्थापन करे के लक्ष्य छे वही लक्ष्य के अनुरूप एकरा घटा रहल छे। ते द्वारा हम आग्रह करबे यहां सबसे जे हम कहबे करलो जे संतुलित विकास के काम, तो संतुलित विकास के काम करे के जिम्मेवारी हमरा सबके छे, यहां सबके जिम्मेवारी देने छे गांव पालिका वड़ा कार्यालय सबके। तो वह संतुलित विकास के काम के तहत ये बजट वार्ड कार्यालय के बजट छे, ये बजट देने छे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जिला समन्वय समिति के सभापति जी कहे छे प्रमुख जी कहल जे लागे ये छोट लेकिन छोट नहीं छे। हमें यहाँ कहबे करलो जे कमबै के फिरका में बहुत कमाब कह के कमबै के फिरका में स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दी छे। सबसे बड़का संपत्ति स्वास्थ्य छे। अच्छा एकटा बड़ा गौर से सोचियो जे कतनो संपत्ति कमा ले यदि स्वास्थ्य बिगड़ गेले कुछ सौ संपत्ति कमा ले।